वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की 90s फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ यूपी बीएड। ठीक है, जितने बच्चों ने बीएड में फॉर्म फिल किया था उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर बताया गया है कि बीएड की 30,000 सीटें अभी भी रह गई खाली। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, तो वीडियो का पूरा देखिएगा, आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो से दिया जाएगा। अब आप लोग को बता दूँ, ठीक है, कि वीडियो के माध्यम से क्या बताया जाएगा। इसके लिए पहले आप लोग को करना क्या पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना पड़ेगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन है क्या। ठीक है, एक पत्र में, ठीक है, यहाँ पर एक कटिंग में आप लोग को बताया गया, जो कि खबर है कानपुर। ठीक है, कानपुर यहाँ पर जो क्या नाम है माई सिटी रिपोर्टर, ठीक है, अखबार का नाम माई सिटी रिपोर्टर, उसमें आप लोग को दिया गया है कि जो अभी भी 30,000 सीटें जो है फरी खाली रह चुकी हैं, और इसके दाखिले के लिए इसी सप्ताह में जो है आप लोगों को आदेश जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो सीटें खाली हैं, अब इसमें कोई काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं करवाई जाएगी, आप लोग सीधे ही जा करके अपने मनपसंद की सीट किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोग को दिया गया है कि यूपी बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद अभी भी 30,832 सीटें खाली रह गई हैं। रविवार को रिक्त सीटों का आंकड़ा जारी किया गया है। अब इन सीटों पर छात्रों को सीधे प्रवेश का मौका मिलेगा, इसके लिए इसी सप्ताह के आदेश में जारी होने की संभावना उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिपेठी ने बताया है कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से जुड़े कॉलेजों में सीटें खाली रह गई हैं आंकड़ा के मुताबिक। ठीक है, अब दोस्तों, अब आप लोग को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अभी भागना पड़ेगा कहाँ पर, आगरा। ठीक है, आगरा में जाना पड़ेगा, ठीक है, चूँकि वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा जो है सीटें खाली रह गई हैं। इसके मुताबिक 10,382 सीटें अभी भी खाली हैं। यहाँ पर सबसे कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में 65 सीटें खाली हैं। छत्रपति साहू जी महाराज जो है वहाँ पर हमारे 3,176 सीटें खाली हैं। और त्रिवेदी ने बताया इस बार की अपेक्षा काफ़ी कम रिक्तियां हैं। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा रिक्तियां होती थी। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हैं। तो आप क्या करें, इन यूनिवर्सिटी में जाकर के अपना एडमिशन ज़रूर करवा लें, जिससे कि आप लोगों का सत्र पूरा जो है वह बर्बाद ना हो। ठीक है, या फिर जो बच्चे BTC करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी BTC के लिए अप्लाई कर दें, अपना फॉर्म भर दें, या फिर BEd करना चाहते हैं तो प्लीज़ BEd वगैरह अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएँ। यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ठीक है, तो मेरे चैनल, ठीक है, को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में यदि अपना कमेंट भी कर देंगे तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पूरे आपके कमेंट जो हैं उन कमेंट का जो है पूरी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। 1 अगस्त से दोस्तों मैं आप लोग को जानकारी दे दूं, ठीक है, 1 अगस्त से जो है UPBTC, ठीक है, UPBTC की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। तो जितने भी विद्यार्थी यानी UPBTC की क्लास लेना चाहते हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि वे 1 अगस्त से BTC की कोई क्लास छोड़ ना पाए। और ये क्लास, ये मान के चलिए आप लोग को 80 से 90%, ठीक है, 80 से 90% आपको नंबर दिलाने की उम्मीद पूरी 100% गारंटी लेती है। ठीक है दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।